तो श्रीमान कमलनाथ जी, श्रीमान मिस्टर बंटाधार दिग्विजय जी, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को आईना दिखाना पहले दिन से शुरू कर दिया। चुनावी आगाज हो गया है, जनता ने विजय श्री भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाल दी है, शुरुआत हो गई है। अब ये कहां रुकेगी? अगली बार 200 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी पूरी करेगी। लगभग 65% वोट पाकर के भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ पर 51% वोट शेयर का संकल्प की शुरुआत आज छिंदवाड़ा से हुई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे देखते चलिए। मध्य प्रदेश परचम की ओर अग्रसर हुआ है, इसलिए आज मैं छिंदवाड़ा की जनता को और वहां के कार्यकर्ताओं को बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। उस दिन माननीय अमित शाह जी ने छिंदवाड़ा में आगाज किया था कि विजय का आगाज, विजय महासंकल्प सभा थी, महासंकल्प रैली थी, उसकी शुरुआत आज माननीय अमित शाह जी को, माननीय मोदी जी को, माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री जी को, आज छिंदवाड़ा की जनता ने ये सौगात देकर के शुरुआत इसकी की है। और मैं फिर कहता हूं, 13.5 लाख छिंदवाड़ा के अंदर आयुष्मान कार्ड धारी जिनको 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, तो प्रधानमंत्री आवास से लेकर के उज्ज्वला योजना से लेकर लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, ये जो हमारी ताकत है, इसका प्रकटीकरण इस चुनाव में हुआ है। अभी वोटर के अंदर भी हम चुनाव जीते, सतना के अंदर, जोहरा के अंदर भी हम चुनाव जीते, तो श्रीमान कमलनाथ जी, श्रीमान मिस्टर बंटाधार दिग्विजय जी, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को आईना दिखाना पहले दिन से शुरू कर दिया। चुनावी आगाज हो गया है, जनता ने विजय श्री भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाल दी है, शुरुआत हो गई है। अब ये कहां रुकेगी? अगली बार 200 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी पूरी करेगी। एक छोटा चुनाव था, लेकिन ये छोटे चुनाव ने बड़ा आईना दिखाने का काम कांग्रेस को।